दोस्तों, एक अच्छा कलाकार हर किरदार निभाने के लिए तैयार रहता है। कलाकार की खूबी यही होती है कि वो जो रोल कर रहा है उसमें खुद को ढाल ले, क्योंकि स्टार्स को पता नहीं कब कौन सा रोल निभाने के लिए मिल जाए। कभी कभी यंग स्टार्स को पिता बना दिया जाता है, तो कभी रियल लाइफ कपल को भाई बहन का रोल दे दिया जाता है। टीवी के कई स्टार्स ऐसे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे पर भाई बहन का रोल निभाया है, लेकिन रियल लाइफ में वो कपल हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन्हीं कपल्स के बारे में बात करते हैं। नंबर वन, रोहन मेहरा और कांची सिंह। रोहन मेहरा और कांची सिंह स्टार प्लस पर आने वाले शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में भाई बहन का किरदार निभाते नजर आए थे। शो के सेट पर ये भाई बहन से कब कपल बन गए किसी को पता ही नहीं चला। नंबर टू, शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कड़। छोटे पर्दे पर सिमर का किरदार निभाकर लोगों का दिल जीतने वाली दीपिका पिछले साल बिग बॉस की ट्रॉफी भी जीत चुकी हैं। दीपिका और शोएब की मुलाकात ससुराल सिमरका के सेट पर हुई थी, वहीं से इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि सीरियल कोई लौट के आया है में दोनों भाई बहन भी बन चुके हैं। नंबर थ्री, किरण करमारकर और रिंकू धवन। कहानी घर घर की में ओम का रोल निभाने वाली किरण करमारकर को उनकी हमसफर इसी सीरियल के सेट पर मिली थी। अगर आपको याद हो तो रिंकू धवन ने कहानी घर घर की में ओम की बहन का रोल अदा किया था। नंबर फोर, अविनाश सचदेव और शलमाली देसाई। ये प्यारी सी जोड़ी भी पर्दे पर भाई बहन के रोल में नजर आ चुकी है। शलमाली देसाई इस प्यार को क्या नाम दूं में अविनाश की बहन का रोल निभा चुकी हैं। इसके बाद दोनों प्यार में पड़ गए और शादी कर नई जिंदगी शुरू की। नंबर फाइव, चारू असोपा और नीरज मालवी। चारू असोपा और नीरज मालवी मेरे अंगने में साथ काम कर चुकी हैं। इस सीरियल में नीरज चारू के कजन थे। कुछ टाइम तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने जिंदगी भर के लिए साथ रहने का फैसला लिया। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी जोड़ी सबसे अच्छी लगी हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।